गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम क्लास में सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है और चैप्टर सिक्स टॉपिक है कोको बीनो। बच्चों सेट गेट सेट में देखिए, कंप्लीट द क्लास वर्क बाय राइटिंग द सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। अभी आप सबको कल ग्राफ के थ्रू आप लोगों को बुक में फिलअप कराया गया था और आपसे कहा गया था कि कल आपको कॉपी में राइट करवा दिया जाएगा जिससे आप उसको डन कर लें। तो इसलिए आपको कॉपी और पेन लेके इसको राइट करिए बच्चों, एंड इसको डन करिएगा। इसको आपको डन भी करना है जिससे आपको एग्जाम में राइट कर सको। इसलिए तीनों भी डिसऑर्डर का कॉलम
रिशन का ईयर और प्रेजेंट का ये आपके इवन वर्ड है तो आप अपनी कॉपी में ऐड करेंगे और उसको लर्न करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क भी समझ सकते हैं। आप लोगों ने लिख लिया होगा बच्चों। अब देखिए कोको विनो के एक ऐसी स्टोरी है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट योर फेवरेट चॉकलेट। ये चॉकलेट के बारे में एक स्टोरी है कि किस तरह से चॉकलेट कैसे कैसे क्या क्या जर्नी तय करके एक चॉकलेट के रूप में इंक्लूड होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे बच्चों। तो आप को कंसंट्रेट होके सुनिए और इसका आनंद लीजिए। देखिए बच्चों, आई वाज स्विंग एंड एंजॉय व्हेन सडनली कि मैं झूम रहा था और एंड एंजॉयिंग कर रहा था, मस्ती कर रहा था, वे सडनली तभी अचानक आई हियर्ड ए साउंड कि मैंने तभी मैं मस्ती में खोया हुआ था, सिंह झूल रहा था और खोया हुआ था, वे सडनली आई हियर्ड ए साउंड तभी मैंने एक आवाज सुनी, मंच मंच की आवाज सुनी। आई ओपन वन आई, मैंने अपनी एक आंख खोली। ओह नो मंकी, अरे बाबरी मंकी, दे आर सुइंग माई फ्रेंड, ये मेरे दोस्त को चबा रहे थे। विथ ए लॉन्ग स्विंग आई जंप डाउन एंड रन फास्ट आई कुड सी। विथ ए लॉन्ग स्विंग, मैंने एक लंबी छलांग के साथ आई जंप, मैं कूदा डाउन द रन एज फास्ट आई कुड कि मैं जितना तेज दौड़ सकता था उतना तेज मैं दौड़ा। माई हार्ट वॉज रनिंग फास्टर देन माई लेग कि मेरे पैरों की फास्टर देन माई लेग कि जो मेरा हृदय था वो भी जल्दी जल्दी रनिंग करने लगा और देन माई लेग और मेरा पैर की दौड़ के अनुसार मेरा हार्ट भी रनिंग करने लगा। एज आई गॉट ए लिटिल फर्दर आई स्लो डाउन एंड स्टार्ट वॉकिंग, फिर मैंने अपनी छलांग को कम की और मैं धीरे धीरे फिर चलने लगा। आई ट्रेवल्ड फॉर सिवरल डेज थ्रू आई थिक एंड डार्क जंगल्स ऑफ अफ्रीका की कई दिनों की यात्रा करने के बाद आई फॉट द थिक एंड डार्क जंगल ऑफ अमेरिका कि मैं कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद मैं काले गहरे जंगल अफ्रीका में पहुंचा। One day I feel tired, so I found a cozy leaf and still sound asleep. कि कई दिनों के one day I feel tired कि मैं थक गया था, इसलिए मैंने I found a cozy, cozy में सोता है आरामदायक स्थान कि मैंने एक आरामदायक स्थान पाया, leaf and still sound asleep कि जो पत्तियां थी और जो उसकी आवाज थी मुझे सुला रही थी। देन आई वॉक अप, फिर जब मैं उठा आई फेल द कूल ब्रीज टचिंग माई फेस कि मैं जब उठा तो मुझे कूल ब्रीज जो था वो मेरे फेस को टच कर रहा था। देयर आर थाउजेंड
अप अदर जींस लाइक मी हैव ट्रम कि देयर आर थाउजेंड, वहाँ पे हजारों अदर दूसरे भी जो थे वो हम मेरे लाइक मी इन द हब ट्रम की वो उनकी जो शाखाएं थी वो मुझे गले लगा रही थी। आई इंजॉय द लॉन्ग राइड लेइंग ऑन टॉप कि मैं इस राइड में सवार सवारी को मैं बड़ी आनंद से ले रहा था। लेइंग ऑन द टॉप मैं सोकर इसे मैं ऊंचाई पर सोकर इसको आनंद ले रहा था। सडनली आई बम्प इनटू साइड ऑफ द ट्रक एंड स्लिप इनटू द रोड कि तभी अचानक आई बम्प मैं फैल गया इनटू द साइड ऑफ द ट्रक एंड स्लिप इनटू द रोड कि तभी कि आई बम्प द थ्रो डाउन कि नीचे चले जाते हैं इनटू द साइड ऑफ द ट्रक के साइड किनारे से नीचे चले जाते हैं एंड स्लिप इनटू द रोड की पूरे सड़क पे वो फैल जाते हैं। द बॉय पिक अप द किप्ट मी इन हिज बैग और वहाँ बच्चे आते हैं और किप्ट अप मुझे उठाते हैं और उसे अपने बैग में भर लेते हैं। He ran to his friend and started playing with some marbles and me. He ran to his friend. वह जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ and started playing खेलना शुरू कर देते हैं with some marbles जो होता है पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े and कुछ पत्थर के टुकड़ों के साथ वो मेरे साथ मतलब and me मेरे और पत्थर के टुकड़ों के साथ खेलने लगते हैं। तो वो जो सड़क पे वो बीज गिर जाते हैं जो बीज होते हैं वो गिर जाते हैं तो बच्चे जो आते हैं वो अपने उनको बैग में भर लेते हैं उसे खेल का सामान समझ कर उसको कुछ पत्थरों को मिलाकर अपने साथ खेलने लगते हैं। ही थ्रो मी थ्रो हर्ट एंड आई फ्लो फार अवे एंड लैंडेड इन ए फ्रूट स्टॉप कि ही थ्रो मी वो फिर मुझे फेंक देते हैं सो हर्ट दैट आई फील few far away and landed in the fruit stand. फिर कुछ लोग आते हैं a few far away कुछ लोग आते हैं और उसे fruit shop में भरने लगते हैं। A man come with a basket and carried me with the fruit on the his head. कि एक आदमी आता है और अपने basket में उसे भरता है come with a basket कि वह एक आदमी बास्केट के साथ आता है एंड कैरी मी मुझे उठाता है विद द फ्रूट ऑन हिज हेड अपने फ्रूट के साथ मुझे उठाता है अपने सर पे उठा लेता है। दैट वाज ए प्लेजर राइड यह एक आनंददायक मतलब कि सफर था। आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद ही पुट द बास्केट डाउन वह उस बास्केट को नीचे रखता है एंड पिक्स आउटसाइड एंड ओवर इंक्वायर टू सी मेनी ट्रेन लाइक द स्ट्रेट ऑन द सी ठीक आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद ही पुट द बास्केट डाउन नीचे रखता है एंड पिक्स आउटसाइड एंड वाच ओवर इंक्वायर टू सी मेनी ट्रेन लाइक मी स्ट्रेट ऑन द सी की वह झपता है बाहर की ओर झपता है एंड देखता है ही ओवर वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है इसे देखकर कि उसके जैसे मेरी फ्रेंड कई दोस्त लाइक मी स्प्रेड ऑन द सीट की उसके जैसे कई दोस्त भी वहाँ पे जमीन सीट पर सब फैले हुए हैं। जब वो बास्केट को जो व्यक्ति होता है वो बास्केट को नीचे उतारता है ही पुक्ड फील्ड आउटसाइड की वह जब मैं बाहर की ओर देखता हूँ मैं देखकर खुश हो जाता नहीं हूँ कि ओवर इंजॉय बहुत ज्यादा एंड ओवर इंजॉय कि मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ यह देखकर कि मेनी फ्रेंड्स लाइक मी स्प्रेड ऑन द सीट कि मेरे जैसे कई दोस्त सीट पर फैले हुए हैं। फिर सो आई जंप फ्रॉम द बास्केट इनटू द सीट कि मैं जंप करता हूँ बास्केट से जंप करता हूँ इनटू द सीट की सीट पर मैं बास्केट से निकलकर सीट पर जंप करता हूँ। फ्यू मिनट लेटर कुछ समय के बाद सम पीपल कम विथ बैग कार्टून एंड
the cartoon and fill with them this earth. कि फिर कुछ समय के बाद कुछ लोग आते हैं बड़ा सा कार्टून लेके और उसे भर लेते हैं, मुझे और उनको भर लेते हैं. एंड आवर न्यू जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम दियर. अब यहाँ से हमारी एक नई यात्रा शुरू होती है. फिर द एडवेंचर वाज ट्रैफिक सो आई मूव इन ए हम बिल्डिंग कैच माई टाइट एंड दैट वेयर दे डम्स आर. फिर जो एडवेंचर था वाज ट्रैफिक आई मूव इन यहाँ तक का जो मेरा एडवेंचर था. आई हैव बिल्डिंग दैट माई टाइप एंड दे वेयर ड्रम अर्थ की एक बड़ी सी बिल्डिंग में कैच माई टाइप वेयर ड्रम मुझे गिरा देते हैं इस टिप टोर इन साइड एंड फ्यूजन मशीन. फिर वह उंगलियों पर धीरे धीरे चलने लगे और जेंट मशीन इन साइड एंड उंगलियों पे मतलब आई टिप टो मिस होता है उंगलियों पर धीरे धीरे चलना. फिर एंड सा जेंट मशीन फिर मैंने एक बड़ी सी मशीन देखी. आई वेंट ए लिटिल क्लोजर मैं एक छोटे से क्लोजर में गया. बीन वेयर पासिंग हॉट डिफिकल्ट डिफरेंट मशीन फिर जो बीन्स थे वो पासिंग कर रहे थे थॉट डिफरेंट मशीन की दूसरे विभिन्न मशीन डिफरेंट मशीन फिर जो बीन्स था वो दूसरे मशीनों में चलने लगता है. वन मशीन वाज ट्रेकिंग द सेल जो पहला मशीन था वो हमारे सेल को निकाल रहा था. द नेक्स्ट वाज ग्राइंडिंग और दूसरी जो थी उनको ग्राइंडिंग कर रही थी और द बीन्स बीन्स की ग्राइंडिंग कर रही थी बीन्स को ग्राइंडिंग कर रही थी और रिमूविंग द डर्टी पीस और जो उसकी जो गंदगी थी उसको हटा रही थी. जींस की जो गंदगी थी उसको साफ कर रही थी. अनदर वाज मिक्सिंग द पाउडर और दूसरी जो थी विथ मिल्क एंड शुगर जो दूसरी मशीन थी वह मिल्क द पाउडर उसको पाउडर बनाकर विथ मिल्क एंड शुगर पाउडर मिल्क और शुगर में उसको मिक्स कर रही थी. पाउडर को शुगर और मिल्क में उसको मिला रही थी. फोर्थ मशीन वाज एडिंग नट्स फ्लेवर टू द मिक्सचर की जो चौथी मशीन थी वह नट मिस बादाम और फ्लेवर को मिक्स कर रही थी. एंड आफ्टर सर्टन टाइम इज हीटिंग एंड कूलिंग दे इनटू द फाइनल ब्यूटीफुल शेप ऑल ऑफ देम वेयर हैप्पी सो विद ए बिग स्माइल आई इंटर द बिग मशीन एंड आफ्टर सिंगल स्टेप आई एम द टेस्टी माउथ वाटरिंग यमी एंड डिलीशियस चॉकलेट ऑफ ऑल टाइम कि जैसे कि एंड आफ्टर फिर बाद में कर्टन टाइम हीटिंग एंड कूलिंग फिर को गर्म और ठंडा किया जाता है. ये कम इंटू द फाइनल ब्यूटीफुल शेप आप हुए गर्म करके ठंडा कर दिया जाता है फिर वो एक कुदरत आकार में आ जाते हैं. आज आप देम वेयर हैप्पी सो बिग ए स्माइल अब वे बहुत खुश थे एक बड़ी सी स्माइल के साथ वे खुश थे. आई एंटर्ड द बिग मशीन हम लोग एक बड़ी सी मशीन में प्रवेश करते हैं. एंड आफ्टर सिंगल स्टेप और अलग अलग आकार में हो जाते हैं. देयर हियर आई एम द टेस्टी यहाँ मैं बहुत टेस्टी हूँ स्वादिष्ट हूँ. माउथ वाटरिंग मिस हो गया मुँह में पानी आना कि आई
माउथ वाटरिंग यमी कि मेरा स्वाद जो है वह माउथ वाटरिंग यमी एंड डिलीशियस चॉकलेट ऑल द टाइम। अब मैं पूरे समय यमी और माउथ वाटरिंग और डिलीशियस हो जाता हूँ। तो किस तरह से एक जो बीन है वो चॉकलेट के रूप में किस तरह से आता है, इसके बारे में इसका सफर बताया गया था कि किस तरह से वो अंतिम में किस फाइनल में वो किस शेप में आता है जिससे वह खुश हो जाता है। वो अलग अलग शेप में अलग अलग प्रकार से अलग अलग ब्रांड में आ जाते हैं। तो बच्चों आज तक के लिए ये इतना ही आपको समझाया गया है, और जो कल है आपको बुक वर्क कंप्लीट कराया जाएगा, फिर कॉपी वर्क कंप्लीट कराया जाएगा। थर्ड स्टेप में कॉपी वर्क होता है, फर्स्ट में रीडिंग बुक रीडिंग होता है और उसका ट्रांसलेशन होता है, और सेकेंड में बुक वर्क, और थर्ड एंड लास्ट में आपका कॉपी वर्क होता है, फिर आपको लर्न कराया जाता है। तो आज तक के लिए बच्चों इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और सी यू टुमारो, बाय बाय।